दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि हम लोगों ने वीडियोस में एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेके आए थे यहाँ पर, और उसी क्रम में जो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो टर्म वन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इन चैप्टर्स में परेशान रहते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ 30 क्वेश्चंस का फिर से एक आपका आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। उन 30 क्वेश्चंस को आप देखिए, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और क्लियर होंगे। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाएं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप वहाँ पर जा कर के चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब नवंबर का ये महीना आ चुका है और आपका बोर्ड का डेट भी आ चुका है, तो अब मुझे लगता है कि चैप्टर्स आपने सारे पढ़ लिए होंगे, तो हम लोग एमसीक्यू पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो लगातार अब मैं एमसीक्यू लेकर के आपके सामने आऊँगा। आज मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक साथ लेकर के आपके साथ आया हूँ। तो देखते हैं हम इन 30 क्वेश्चंस को किस तरीके से, और आप भी चेक कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक प्लेज नो रोल। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक प्लेज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके सिस्टम में तीन तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और डर्टी फ्लोटिंग, जिसको हम लोग मैनेज फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, सरकार या सेंट्रल बैंक। जब सरकार की, गवर्नमेंट की बात आती है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सरकार, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेंट्रल बैंक की, तो डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक नहीं करती है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं। तो मार्केट फोर्सेस किस वाले सिस्टम को करती हैं? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को कहती हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बच्चे क्या करेंगे यहां पर, फ्लेक्सिबल देखकर ऑप्शन सी कर देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए यहां पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। और जहां पर भी क्वेश्चन में बोथ वाला केस हो, एक बार ऑप्शंस दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि हमको लगता है यहां पे देखने के बाद सीधा दिमाग में बिना ऑप्शन देखे जो आंसर आएगा वो फ्लेक्सिबल आएगा, लेकिन यहां पर क्योंकि बोथ का ऑप्शन है तो एक बार फिर से ऑप्शन देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्लेक्सिबल को और किसी नाम से जानते हो वो भी ऑप्शन में हो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, डैश रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड लाइक मेटल और अदर करेंसी। बताइए किसमें हम लोग इसकी बात करते हैं? क्या हम लोग इसकी बात फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के पेगिंग में करते हैं? पेगिंग को और क्या कहते हैं? पेगिंग सिस्टम को याद आ रहा है आपको, आपने पढ़ा है पेगिंग सिस्टम को, और हम क्या कहते हैं? ब्रिटन वुड सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी, पेगिंग। बात समझ में आ रही है? आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हेन देयर इज डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी देयर इज डैश इन नेशनल इनकम। अब आप देखिए क्या लिखा है यहां पर, डीवैल्यूएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। हमारे यहां की करेंसी की वैल्यू घट रही है। हमारे यहां की करेंसी की वैल्यू का घटने का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू घट रही है, यानी कि एक्सपोर्ट क्या होगा हमारे यहां, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट? क्यों बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट? इसलिए बढ़ जाएगा, जरा एक बार हम लोग देखते हैं। $1 इज इक्वल टू, अगर हमारा 70 रुपीज था और अब $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया। अब इस केस में सोचिए, जरा इधर से एक बार देखिए, मैं यूएस का हूं, इधर से देख रहा हूं तो यूएस का हूं, उधर से देखूंगा तो इंडिया का हो जाऊंगा। $1 में पहले मुझे 70 रुपए का सामान मिलता था, अब क्योंकि करेंसी इंडिया की डिप्रिशिएट कर गई है तो अब मुझे एक ही डॉलर देने पर 75 रुपए का सामान मिल जाएगा, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा भैया और मंगाओ। एक डॉलर के खर्च करने पर अगर ज्यादा रुपए का सामान भारत से मिल रहा है तो और मंगाओ।
और मंगाने का मतलब यूएस से इंपोर्ट कर रहा है। यूएस से इंपोर्ट करेगा तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, और इंडिया का जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब सामान बाहर जा रहा है, तो बदले में फॉरेन करेंसी इंडिया आएगी, यानी कि क्या होगा, नेशनल इनकम राइज करेगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले ही आपको एक बात बता दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन से आपका डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन खत्म। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस के द्वारा रन किया जाता है, और मार्केट फोर्सेस डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन की बात करते हैं, ना कि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। जब डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन की बात होगी तो उसमें सरकार का रोल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी लाइन से, इसी 4-5 वर्ड से शुरुआत के हमारा 2 ऑप्शन तो भैया कैंसिल हो गया। ठीक, आते हैं आगे क्या कह रहा है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज an inflow of foreign capital in India, there is dash of domestic currency. अब इसको बहुत ध्यान समझिए। फिर से मैं उसी तरह का एक example लेता हूँ। $1 is equal to 70. बस यहाँ पर थोड़ा सा change कर रहा हूँ। $1 is equal to 60 कर लेता हूँ। ठीक? जरा देखिए। हम इंडिया में फॉरेन रिजर्व रखना चाहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर हम अपने पास रखें। क्यों डॉलर ज्यादा से ज्यादा रखें? ताकि अगर हमको बाहर इन्वेस्टमेंट करना हुआ, बाहर FDI करना हुआ, जो भी करना हुआ, हम उसका इस्तेमाल उस लिए कर सकें। यही काम यहां पर क्या कह रहा है, When there is increase in inflow, inflow का मतलब उधर से हमारे देश में आ रहा है, तो जरा हम इधर के हो जाएं। बात समझ में आ रही है? यूएस हमारे यहां FDI कर रहा है, यूएस हमारे यहां FDI कर रहा है, तो वो किस समय करना चाहेगा, जब वो हमारे जैसे हम डॉलर रखते हैं, वो अपने यहां रुपया रखता होगा, वो ज्यादा रुपया हमारे यहां फ्लो कराना चाहेगा कि कम रुपया फ्लो कराना चाहेगा। आप सोचिए, वो चाहेगा कि उनके जो खाते हैं, जो वहां पर रुपया वो बचा कर रखे हैं, उसका कम हिस्सा जाए इन्वेस्टमेंट में, तो वो कब देना चाहेंगे, जब 60 रुपए की बात होगी, यानी कि जब एप्रिसिएशन वाला केस होगा, तब कोई भी देश किसी दूसरे देश में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो कराएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है? अगर 70 रुपए होगा तो जो यूएस के पास जो फॉरेन रिजर्व पड़े होंगे रुपया के रूप में, उसको 70 रुपया निकाल के देना पड़ेगा। वो क्या चाहेगा कि हमको 70 ना देना पड़े, कम देना पड़े, अपने रिजर्व में से कम पैसा निकाल के भारत में लगाना पड़े। तो वो क्या चाहेगा कि भैया जब 70 से 60 हो गया, यानी एप्रिसिएशन हो गया, तब हम क्या करें, पैसा वहां पर लगाएं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, आप तुरंत उसको कमेंट में आप मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल की बात आ गई, यानी कि फिर से हमको क्या करना है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में खेलना है, ना कि डिवेल्यूएशन और रिवेल्यूएशन में। बात समझ में आ गई? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ COVID-19 पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेवल देयर इज, अब देखिए नीचे नहीं देखना है आपको, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो यहां पर, यहां से हम आते हैं यहां, ठीक है, मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स, दिस लीड्स टू डैश इन डोमेस्टिक करेंसी। चलिए बहुत ऊपर नीचे हो गया, हम लोग ऐसे ही समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर हम बात करें, और COVID-19 के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको जब हुआ ना, कोविड के बाद हम लोगों ने काफी रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिए, आज देखिए लोग आराम से बिना मास्क के घूम रहे हैं। ठीक है, बात समझिए, रेस्ट्रिक्शंस जब हम हटा देंगे तो इंडिया का टूरिस्ट जब मालदीव्स में जाएगा, तो उसके वहां ज्यादा जाने से देश की करेंसी क्या होगी, आप सोचिए, यहां से बार बार उधर जा रहा है करेंसी, तो क्या होगी हमारे देश की करेंसी, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ की करेंसी यहां से आउटफ्लो हो रही है ना, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, डेप्रिसिएशन। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, There exists dash relation between demand of foreign exchange and foreign exchange. Demand में, और बहुत सिंपल करते हैं इसको, डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में। आप बताइए कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है? तो याद कीजिए, अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरा, तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा भैया देखो,
डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों होता है मैंने वीडियो में आपको बताया है। और मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, मैंने याद करने का तरीका बताया कि जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए रहते हैं ना, मतलब ये थोड़ा फालतू वाली बात है, लेकिन अगर आप इसको याद करने के तरीके से याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, जब डिमांड की बात होती है लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स, तो यहां पे भी जब डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट की जब बात होगी तो किसकी बात होगी, इनवर्स रिलेशन की बात होगी। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर बी ठीक। आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ठीक है ना। जैसे जैसे आपका रेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं बना लेता हूं यहां पर, ये मान लीजिए आर जीरो है, ये आर वन हो गया, यानी ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है डी वन, ये हो गया आपका डी टू ठीक है, डी जीरो, ये हो गया आपका डी जीरो। जैसे ही आर जीरो से आर वन गया क्या, रेट, रेट जैसे ही बढ़ा, रेट जैसे ही बढ़ा वैसे ही क्या हो रहा है डिमांड में, रेट जैसे ही बढ़ रहा है वैसे ही हमारा डिमांड डी जीरो से डी वन की तरफ आ रहा है। जैसे हमारा आर जीरो से आर वन रेट गया वैसे ही डिमांड हमारा डी जीरो से डी वन आया, यानी इनवर्स रिलेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, देयर एग्जिस्ट डैश रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड फॉरन एक्सचेंज रेट। तो यही वाली बात, देखिए सप्लाई के लिए ये वाला कर्व हो गया, क्या देख रहे हैं हम, क्या हम देख रहे हैं, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो भी बढ़ती जा रही है, यानी डायरेक्ट रिलेशन हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, व्हेन एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम $1 इज इक्वल टू 40 INR टू $1 इज इक्वल टू 60 ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट फोर्सेस। देखिए मार्केट फोर्सेस की बात आ गई तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म, यानी 40 से 60 हो गया, $1 बराबर 40 से क्या हो गया 60, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो डिप्रिसिएशन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन पर। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कंसेप्ट। ऑप्शन ए फ्लो, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ठीक है ना। एक हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीजों को देखते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं इसमें, तो इसका फ्लो कॉन्सेप्ट यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टेन पर। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है हमारा, Which of the following is not a component of current account BOP? Current account की बात हो रही है, तो current account का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम बात कर रहे हो या तो export and import of visible items, invisible items या current items। तो not की बात किया है, देखिए खतरनाक वाला चीज आ गया यहां पर, not। तो यानी export of machinery की अगर हम बात करेंगे, visible item है तो भैया तुम तो current account के part हो ठीक है। Increase फॉरेन इंस्टीट्यूशनल FIIs की बात, यानी पोर्टफोलियोज की बात हो रही है। पोर्टफोलियो क्या है, एक तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, यानी ये नॉट में आ जाएगा एक सेकंड ऑप्शन। फिर इसमें रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग, रेंट की बात यानी सर्विस की बात हो रही है, यानी करंट अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है, तो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन गवर्नमेंट रिजर्व, ये भी हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। देखते हैं हमारा सेकंड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्लासिफाई टू बी अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीजें आती हैं, सिर्फ विजिबल आइटम्स, यानी कि ये देखिए पहला ही ऑप्शन एजुकेशनल कंसल्टेंसी फ्रॉम यूएसए क्या है, सर्विस है, सर्विस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया ड्यू टू रिसेंट लॉन्च ऑफ पीएम्स आत्मनिर्भर कैंपेन। बताइए आत्मनिर्भर की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उससे क्या होगा, इनफ्लो अगर होगा तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, हमारे यहां पैसा क्या होगा, फॉरेन कैपिटल क्या होगा, इनफ्लो होगा। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर होने का मतलब हो गया कि हम अपने यहां सामान को बनाएं, अपने यहां सामान को बनाएंगे तो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर से क्या होगा, अंदर आएगा, फ्री में तो हम देंगे नहीं ठीक है, यानी एसर्शन हमारा सही है। आते अपने रीजन पर, ड्यू टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बात समझ में आ रही है। अगर हम फॉरेन कैपिटल इंडिया में इनफ्लो करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जरा सोचिए, इनफ्लो हमारे यहां आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जरा सोचिए एफडीआई हमारे यहां
आ रहा है, हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ आ रहा है, तो क्या हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे? अरे भैया, हम तो तब डिमांड करेंगे ना जब हमको कहीं पर इन्वेस्ट करना होगा डॉलर। हम कब फॉरेन एक्सचेंज रेट चाहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज हम कब चाहेंगे, हमको डॉलर कब चाहिए होगा? जब हमको बाहर कोई काम करना होगा, इंडिया के बाहर। और इंडिया के बाहर हम कब काम करेंगे? जब हम एफडीआई कहीं दूसरे देश में करेंगे, इनफ्लो नहीं आउटफ्लो करेंगे, तब हमको जरूरी होगा। और यहां पर ये क्या कह रहा है, इनफ्लो की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज नहीं इंक्रीज करेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, एसर्शन क्या है, डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा है क्या, कि डिवेल्यूएशन होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी देश में आएगी, यानी ये एसर्शन तो सही है। फिर क्या कह रहा है, रीजन, डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवेल्यूएशन सही बात है, रिडक्शन करता है। फिर विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है और यहाँ डिवेल्यूएशन लिखा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये दोनों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बात समझ में आ रही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 13 का बी। 14th पर आते हैं 14th क्या है, एसर्शन क्या, appreciation and revaluation of domestic currency with respect to foreign currency and one of the same। हाँ ठीक बात है, मतलब आपको लगता है क्या ये सही बात है, appreciation और revaluation एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं एक बात है भाई। appreciation market forces के द्वारा होगा, और जब हम revaluation की बात करेंगे तो किसके द्वारा होगा, सरकार के द्वारा होगा। यानी इसका आंसर assertion तो नहीं होगा, पहली बात। appreciation and revaluation of डोमेस्टिक करेंसी मेक द डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, सीधी सी बात है। अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो एप्रिसिएशन होने का मतलब क्या हो गया, डिवेल्युएशन में क्या हो रहा था, डिप्रिसिएशन में, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। अच्छा, एक्सपोर्ट और क्यों बढ़ रहा होगा, इसका रीजन क्या होगा, हमारे यहाँ सामान की कीमत अगर कम हो गई होगी तभी तो बाहर वाले और डिमांड कर रहे होंगे। तो इसका ठीक उल्टा, एप्रिसिएशन में क्या हो रहा होगा, एप्रिसिएशन में इंपोर्ट बढ़ रहा होगा। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। हम बाहर से सामान कब मंगाएंगे, जब हमारे यहाँ सामान क्या होगा, महंगा, यही बात लिखा है, एक्सपेंसिव। एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट, तो बिल्कुल सही है, तो रीजन सही है, लेकिन एसर्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका assertion गलत है और reason सही है, तो इसका option हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि आप काफी questions अभी से practice कर लिए होंगे। assertion is false and reason is true, तो 14th का answer हो जाएगा हमारा D, ठीक है, 14th का answer हमारा क्या हो जाएगा, D। आते हैं अपने next question 15th पर। accommodating transactions are done to correct the imbalance of BOP, ठीक है, सही बात है। accommodating transactions का हम यूज हम कब करते हैं, जो autonomous transaction में जो deficit या surplus वाला केस आ जाता है उसी को सही करने के लिए करते हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं assertion वाली बात सही है। अगली बात क्या कह रहा है, accommodating transactions are dependent in nature, they are done to adjust BOP, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी बी हो जाएगा, ठीक है ना, 15th का आंसर बी हो जाएगा। क्यों बी कह रहा हूं मैं, बी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों सही है, लेकिन ये बताइए कि ये रीजन जो है, क्या ये ऑप्शन ए एसर्शन ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? अरे दोनों एक ही बात तो कह रहा है, क्योंकि एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसीलिए तो क्या करते हैं, इंबैलेंस को ठीक करते हैं, तो इसीलिए इसमें सतर्क रहना है। इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर ए होगा। बात समझ में आ रही है आपको, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फॉरेन टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, अब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, अरे फिर से वही बात, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब होगा, जब हम बाहर घूमने जाएंगे तो हमको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, वो यहां आ रहे हैं तो सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में आ रही, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए कहीं, जब डिमांड की बात होगी तो हम लोग बार बार इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। डिमांड का मतलब इनफ्लो यहां नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड का मतलब आउटफ्लो और सप्लाई का मतलब इनफ्लो, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कहीं कोने में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑप्शन नंबर बी 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन 17, डिक्लाइन इन फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया लीड्स टू, अब बताइए, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में कम आए तो क्या हो जाएगा, ठीक है भैया डिप्रिसिएशन होगा, लेकिन अब कंफ्यूजन किस चीज में होगा, कंफ्यूजन किस चीज में होगा, कि ठीक है आप डिप्रिसिएशन कहना चाहते हैं कि आप इसका दूसरा ऑप्शन डिवैल्यूएशन कहना चाहते हैं,
ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन आप डी वैल्यूएशन कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, जब टूरिस्ट की बात हो रही है तो सरकार की कोई पॉलिसी थोड़े है, वो तो मार्केट फोर्सेस की पॉलिसी है। बात समझ में आ रही है? मार्केट फोर्सेस की। तो इसका आंसर डीवैल्यूएशन नहीं करेंगे, इसका आंसर हम डेप्रिसिएशन करेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17th का ए हो जाएगा। 17th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th के बाद हम आते हैं 18th पर। 18th क्वेश्चन, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिफर्स टू। तो डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिफर्स टू क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। रिडक्शन, नॉट फॉल। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लीजिएगा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19th क्या है? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू। अब देखिए, डीवैल्यू बार बार हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, अब याद होनी चाहिए बात। डीवैल्यूएशन का मतलब एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए कहां है ये बात, इंक्रीज एक्सपोर्ट, इंक्रीज एक्सपोर्ट, डिक्रीज इंपोर्ट, खत्म हो गई बात। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन 20, कैपिटल इनफ्लो एंड FDI विच हैव बीन डन टू कवर द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ BOP आर कॉल्ड। अब आप बताइए, कैपिटल इनफ्लो एंड FDI विच हैव बीन डन टू कवर अप द करंट अकाउंट डेफिसिट आर कॉल्ड क्या? आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग आइटम्स, ट्रांजेक्शंस। बात समझ में आ रही है? आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, एंड 20 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, FDI आ रहा है, तो यानी क्रेडिट, क्रेडिट, और FDI क्या है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर, क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। बात समझ में आ रही है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंपोर्ट ऑफ ऑयल, इंपोर्ट की बात हो गई, तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, यानी कि क्या, क्रेडिट नहीं, डेबिट साइड हो गया, और डेबिट साइड, और ये क्या है, ऑयल एंड फूड की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या है, ये कैपिटल अकाउंट थोड़ा ही है, ये करंट अकाउंट है हमारा। यानी 22 का क्या हो जाएगा हमारा, 22 का डेबिट और करंट, यानी बी, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए इसमें कौन सा नहीं है? तो भैया देखो, जहां भी अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात आ जाए वो करंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है उसके लिए सारी चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन 24, विच ऑफ द, 23 था ना, हाँ 24, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अब बताइए, एक्सचेंज रेट हम हमेशा क्या, दूसरे करेंसी में मेजर करते हैं कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ क्या हिसाब किताब चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से दो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, आप याद रखिए, एक क्वेश्चन जहां पे इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होगा। तो जो डिपेंडेंट होगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की बात करें, तो एक केस आता है जब डेफिसिट हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। डेफिसिट और सरप्लस का केस कब होता है, जब हम ऑटोनॉमस आइटम्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिपेंडेंट, यानी इस ऑटोनॉमस आइटम्स को ही सही करने के लिए कौन डिपेंडेंट, कौन सही रोल निभाएगा, फिर उसको कौन सही करेगा, तो भैया एकोमोडेटिंग आइटम्स करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर क्या पूछा, इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट पूछेगा, अगर सिर्फ डिपेंडेंट पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एकोमोडेटिंग आइटम्स। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट पूछेगा, भैया खुल के करो ट्रांजेक्शन, वो खुल के ट्रांजेक्शन करने वाली बात ऑटोनॉमस में होती है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, डिवेल्युएशन टेक्स प्लेस अंडर विच सिस्टम। अब डिवेल्युएशन की बात आ गई, यानी सरकार की बात आ जाएगी, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, बाकी मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बात समझ में आ रही है? 26 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, फ्लेक्सिबल को और हम क्या कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेट सिस्टम, शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा है, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। 28 पर आते हैं, विच ऑफ द सिस्टम आर कवर्ड अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारा कौन कौन सी चीजें आती हैं भैया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी आता है, हाँ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी आता है, और साथ ही साथ एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी आता है, यानी इसका आंसर बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 29, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी देयर इज डैश इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी देयर इज डैश. अब बताइए, फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ जाए तो डोमेस्टिक करेंसी के साथ क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की अगर डिमांड बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 29, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तो हमारे यहाँ की करेंसी क्या होगी? सीधी सी बात है ना, अगर उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, यानी हमारे करेंसी की वैल्यू की डिप्रिसिएशन हो रहा है, सीधी सी बात है. ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी. आंसर क्या हो जाएगा? बी. आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज के. द मेजरमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट इज बेस्ड ऑन, मेजरमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट इज बेस्ड ऑन, मेजरमेंट की बात हो रही है, ऑटोनॉमस की बात होगी इसमें. देखिए ऑप्शन है, बात समझ में आ रही है? ऑटोनॉमस की अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया है, एक दो क्वेश्चन के पहले. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. तो ये आज का हमारा कुछ 30 क्वेश्चंस जो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट से लेकर के आपके साथ आया. आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मैं आने वाले वीडियोस में हर चैप्टर के वीडियोस आपको, हर चैप्टर पर एमसीक्यू आपको दूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू.